हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का प्लान ये है कि आज हम अपना पहला ट्रैवल व्लॉग शूट करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जीवनी वैली, जो कि यहाँ से अराउंड 86 किलोमीटर दूर है, और अभी हम हैं बग्गी के पास, तो यहाँ से वो अराउंड 86 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं और आप लोग व्लॉग एंजॉय कीजिए। अभी सुबह के 10:15 हो रहे हैं और चलिए चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं चैल चौक, यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है और फिर उसके बाद हमारा एक फ्रेंड भी आ रहा है, तो आगे चल के उसका वेट करेंगे। हमने ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई ढाबा वगैरह देखते हैं और फिर उसके बाद खाते पीते हैं और उसका वेट करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं चैल चौक से, हमारा दोस्त आ गया है। वो पहले बोल रहा था कि वो सरोया देवी जाएगा, लेकिन सरोया देवी मैं काफ़ी बार जाया हूँ और वहाँ पे कुछ घूमने के लिए इतना खास भी नहीं है, तो इसलिए हम जीवनी वैली की तरफ जा रहे हैं। गाइस, हमारे आगे हमारा एक कॉलेज फ्रेंड जा रहा है जिसका हम कब से वेट कर रहे थे, और अभी हम हैं देवीतट वाले रोड पे। तो अभी हम पहाड़ों के बीच में घुस चुके हैं, आगे का रास्ता हमें पता नहीं, हम गूगल मैप के भरोसे जा रहे हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, हमें हल्की हल्की ठंड लग रही है इतनी मोटी जैकेट पहनने के बावजूद भी। हमारी लोकेशन यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर दूर रही है और अभी टाइम हो रहा है 11:52, तो देखते हैं कब तक हम वहाँ पे पहुँचते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता है कि उस लोकेशन में घूमने के लिए है क्या। मेरे को तो दीदी ने बताया था कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, तो हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। और ये हम लोग एंटर होने वाले हैं देवदार के जंगलों में। यहाँ पे ठंड और भी बढ़ने वाली है, विंटर में एक बार हम फिर से यहाँ पे आएंगे जब यहाँ पे स्नोफॉल होगा। यहाँ पे व्यू देख सकते हैं कितना ही प्यारा है। ये जो रोड राइट को जा रहा है, ये जाता है देवीदड के लिए, हम यहाँ से लेफ्ट साइड जा रहे हैं। और यहाँ से गूगल मैप बता रहा है कि 850 मीटर दूर है, मतलब ये ही है जीवनी वैली जो हमें दिख रही है सामने। और कितना ही सुंदर नजारा है इन पहाड़ों के बीच में, ये छोटे छोटे घर, खेत और बीच में एक छोटी सी नदी, यही है जीवनी वैली। यहाँ पे घूमने के लिए वैसे उतना कुछ खास नहीं है, बस मस्त मस्त नजारे हैं। आप यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव के लिए आ सकते हैं, बाकी यहाँ पे ऐसे पैदल घूमने के लिए कोई जगह नहीं है जैसे होती है। ये सिर्फ शायद नज़ारों के लिए फेमस होगी या क्या पता नहीं, पर ठीक है, लुक देखने के लिए अच्छी जगह है। बाकी यही थी, अब हमारा प्लान है सरोया देवी जाने का। ये जो मेरा दोस्त है कभी सरोया देवी नहीं गया है, तो हम अभी सरोया देवी साइड जा रहे हैं। छोटू। और अब हम जा रहे हैं सरोया देवी। पहला ही हमारा ट्रैवल व्लॉग था और पहले ही ट्रैवल व्लॉग पे मैं ऐसी जगह पहुंचे जहाँ घूमने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आपसे मिलते हैं सीधा चाय चौक में, तब तक बीच में कुछ भी नहीं है दिखाने लिए, तो इसलिए गोप्रो ऑन नहीं होगा। अभी हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं चाय चौक में, यहाँ से हम लेफ्ट साइड तार लेंगे अभी सरोया देवी के लिए, और जो राइट साइड रोड जाता है वो जाता है सुंदर नगर, जहाँ से हम घर को जाएंगे। और अभी हम उनका वेट कर, नहीं आ गए हैं वो,
तो जो ये रोड है ये जाता है सरोया देवी के लिए। पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, और ये जो यहाँ के कर्व्स हैं पे लीन करने का बड़ा मजा आ रहा है। हमारे टायर भी नहीं है और रोड पे पत्थर भी नहीं है नीचे, हम लीन करते हुए जा रहे हैं सरोया देवी की तरफ। और जो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं बाइक और इस कैमरे को लेके, वो खतरनाक है, खतरनाक। आप लोगों के यहाँ पे स्नो टाइम लेके आऊंगा, तब देखना यहाँ का क्या मस्त व्यू आता है। और अभी यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना, हमें बता नहीं सकते, हमारे हाथ पैर जम चुके हैं। हम यहाँ पे एक बार बर्फ में स्कूटी लेके आए थे, और अब अगली बार अपने ड्यूक 390 लेके आएंगे जब यहाँ पे स्नोफॉल होगा। बस इस पहाड़ी के टॉप पे है सरोया देवी का मंदिर, 4 किलोमीटर रहा होगा यहाँ से। तो अब यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और एक छोटा सा ऑफ रोड पैच कंप्लीट करते ही हम सरोया देवी पहुंच जाएंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सरोया देवी, यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद फिर से वापसी घर की तरफ चलेंगे। तो गाइस अब इस ब्यूटीफुल लोकेशन को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है, लेट्स गो। फुल्ली मॉडिफाइड ऑल्टो, और अभी हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके सुंदर नदी तरफ जाएंगे। आप लोग व्यू चेक कर सकते हैं यहाँ से, कितना ही मस्त और कितना ही प्यारा लग रहा है। तो ब्लॉग देख के बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।